नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या भक्ति करोगे बाबू? कहीं भगवान भी भक्ति किया करते हैं? एक बात कहूं मेरे पिया तुम ले अगर तुम ओ पिया तुम ले अगर तुम एक बात कहूं मेरे पिया तुम ले अगर तुम ओ पिया तुम ले अगर तुम मैं मरने से नहीं डरती। अगर मेरी तरफ नजर उठाई तो मैं तेरी आंखें ना छूंगी। अगर तूने मेरा रास्ता रोका तो मैं यही चाकू तेरे सीने में उतार दूंगी। किस जहां में खो गए हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए तुम न जाने किस जहां में खो गए। मर्द का बच्चा है तो क्या देश का कुर्बान हो जा। मैं वचन देती हूँ कि तेरी लाश को सीने से लगाऊंगी, सारा जीवन तेरी याद में गुजार दूंगी। हमारे दिल से न जाना दुनिया हजार पापी सही लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं कि एक पवित्र मन को जबरदस्ती पापी बना ले। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई बांसुरी बजाए। 1952 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आन का ग्रैंड प्रीमियर लंदन में हुआ था, जहां उसकी सेकंड लीड एक्ट्रेस की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर एरोल फ्लिन ने उनके हाथ पर किस करना चाहा, पर उस एक्ट्रेस ने ये कहकर अपना हाथ पीछे खींच लिया कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। उसके अगले ही दिन लंदन के न्यूज़पेपर्स में अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया हेडलाइन के साथ उनकी फोटो भी छप गई। वो अनकिस्ड गर्ल थी हिंदी सिनेमा की मशहूर हीरोइन निमी, जिनकी गिनती 50s की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में की गई। तुम कवि हो? ये कवि नहीं है, मेरा कैदी है। अब ये मेरा कैदी है। तुम्हें इसे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुमसे प्रेम करती है? कहते नहीं जबान से दिल बेकरार है, नजरें बता रही हैं इन्हें मुझसे प्यार। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं है, मैं तांबे की राजकुमारी हूँ। इस घमंडी औरत का सर नीचा करने के लिए इसके बाल काटकर राज्य से बाहर निकाल दो। लंदन में निम्मी ओवरनाइट इतनी पॉपुलर हो गई कि उन्हें मेन लीड के लिए हॉलीवुड की चार बड़ी फिल्में ऑफर हुई, जिनमें से एक फिल्म फेमस फिल्ममेकर सेसिल बी डिमिल की थी, पर निम्मी ने बेहिचक सभी को मना कर दिया। क्यों गई राजकुमारी, अब जाती क्यों नहीं? मंगला, यही ऑटो लेकर तो तुम यहाँ आई हो। आजादी का हुक्म तो तुम महल से भी दे सकती थी। तू यहाँ कैसे? तुम्हारी मोहब्बत के गीत सुनने और तुम्हारे कोड़े पड़ने का तमाशा देखने। पागल? अगर पागल ना होती तो सारा जीवन तुम्हारी एक मुस्कुराहट की आशा में क्यों बिता देती? बंद कर अपनी ज़बान, तुझे लाज नहीं आती? लाज करे तुम्हारी ये राजकुमारी जो जमाने भर में अपनी आन और गुरूर का ढिंढोरा पीटती है और कैद की इन दीवारों में छुपकर मोहब्बत का नाटक खेलती है। दुनिया के सामने जिस मुंह पर नफरत से तमाचा मारती है, तन्हाई में उसी मुंह को प्यार से चूमने के लिए आती है। प्रीति के धुन पे हरदम नाचे मेरा जिया, किसी को क्या वो किसी को क्या, मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या वो किसी को क्या। निमी का जन्म 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुआ था। उनका पैदाइशी नाम था नवाब बानो।
जिसे उनके नाना ने उनके जन्म से पहले ही सोच लिया था, क्योंकि उन्हें बेटा होने का पूरा यकीन था। लेकिन जब बेटी आ गई, तब भी उन्होंने उसी नाम पर अपनी मोहर लगाई और निम्मी की नानी ने नवाब के साथ बानो जोड़ दिया। इसी तरह उनका नाम हो गया नवाब बानो। अदाकारी का हुनर निम्मी को अपनी माँ वहीदन बाई से विरासत में मिला था, जो लेट 30s की सिंगिंग स्टार थी। कभी शीशे में सूरत देखी है अपने? ले आज देख। सच कहे अपनी सूरत को खुद ही मर लेते। निम्मी 7 साल की थी जब उनकी माँ गुजर गई। उनके फादर अब्दुल हकीम ने उन्हें अबोताबाद उनकी नानी के पास पहुंचा दिया। उसके 2-3 सालों बाद ही देश का बंटवारा हो गया, तो नानी नवाब बानो को लेकर बॉम्बे आ गई, जहां ज्योति के नाम से उनकी दूसरी बेटी फिल्मों में एक्टिंग किया करती थी। ये बात जब महबूब खान को पता चली, तो उन्होंने दोनों के लिए रहने का एक बेहतर इंतजाम करवा दिया। सभी आए एक नहीं था क्या होता है पर घर के था बहुत अच्छा है शंकर। अरे इतना ऊंचा है शंकर कि देख के डर लगता है, और ऊपर के कमरों में इतनी बहुत सी खिड़कियां हैं शंकर। मैंने एक खिड़की खोली, अरे बाप रे, इतनी जोर से हवा आई कि मेरा दम घुटने लगा। शंकर तू भी एक इतना अच्छा मकान बन गया। क्यों, ये मकान अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, मेरा मतलब मैं कोई साहूकार नहीं हूँ, समझी? और तेरे भाई की तरह मेरी भी कोई मौसी नहीं मर गई है जो मेरे बाद धन दौलत छोड़ गई। लो, मैं क्या बात कर रही थी, तू खींच कर कहाँ ले गया? मैं खींच के ले गया। और नहीं तो क्या, मैं खींच कर ले गई। तो फिर क्यों बार बार यहाँ भटकती हुई आप पहुँचती है? बड़ा अच्छा मकान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है, 50,000 खिड़कियां हैं उसमें। तू अपने आप को समझता क्या है? एक तो तेरे लिए मिठाई लाऊं, दूसरे तेरे पांव पड़ूं, और तू है समाज के आते की तरह इठा ही जाता है। महबूब खान की फिल्म अंदाज की सेट पर नवाब बानो अक्सर जाती रहती। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन मासूमियत से सराबोर उनकी खूबसूरती को देखकर किसी के भी पांव थम जाते थे। अंदाज के हीरो राज कपूर की निगाह उन पर पड़ी, जो उस वक्त अपनी फिल्म बरसात की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने नवाब बानो को सेकेंड लीड के तौर पर साइन कर लिया और उन्हें एक नया नाम दे दिया, निम्मी। नहीं जानती कि तुमसे दूर रहकर मेरी आंखों में 12 महीने बरसात रहती है। बरसात बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसमें निम्मी पर पिक्चराइज्ड टाइटल सॉन्ग और जिया बेकरार है, दोनों ही जबरदस्त हिट हुए। और ऑडियंस ने उनकी अदाकारी को इतना पसंद किया कि वो ओवरनाइट स्टार बन गई। मैंने देखा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे एतबार क्यों नहीं होता बाबू कि तुम सचमुच मेरे पास हो? क्या सचमुच किसी और लड़की ने अब तक तुम्हें मोह नहीं लिया? वाह, ये भी खूब रही हैं। अरे भाई गाओ तो मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख दूं। अगर तुम मुझे कभी किसी और लड़की से बात भी करता देख लो तो मेरी गर्दन मार देना। ऐसी शुभ बातें नहीं की होती। हाँ, अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना मैं कुछ खा लूंगी। फिर निम्मी को अगली फिल्मों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। वो 50s के 3 बड़े स्टार्स राज कपूर, देवानंद एंड दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में नजर आई। खास तौर से दिलीप कुमार के साथ आन, दीदार, दाग, अमर और उड़न खटोला में उनकी जोड़ी बेहद कामयाब रही। इस तरह मुंह लटकाए हुए क्यों बैठा? क्यों नहीं? अरे तू कोई हारा थोड़ी है, तेरी जीत का तो महाराज ने भी इकरार कर लिया है। उन्होंने कहा, शमशेर सिंह तुम झूठ बोलते हो, मंगला सच कहती है। मंगला ले जाओ घोड़ी। कल से शंकर शराब नहीं पिएगा। वो कल से शराब नहीं पिएगा चाची, मैं उससे ये जहर छुड़वा कर आऊंगी। तुम
कल खुद अपनी शक्ल अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी शक्ल खुद कल अपनी आंखों से देख लोगे, तुम अपने आप पर थूकोगे, तुम उस पर थूकोगे, तुम अपने आप पर। का हो चुका है, अब यही मेरे तुम्हारे बीच दीवार बन गया है। जब मैं इसे फेंक दूंगी फिर तुम्हारी हो जाऊंगी। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, दो कुर्बानियां नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो इस वक्त मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। याद है तुमने कहा था कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो तुम ऐसा गीत गाओगे कि तूफान आ जाएगा और मैं खो जाऊंगी उस तूफान में। कैसे गाऊं सुन, दिल टूट गया और आवाज खो गई। गाओ परदेसी गाओ, मैं चाहती हूँ जिंदगी के आखिरी वक्त तक तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे, सिर्फ तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे। गाओ परदेसी गाओ, गाओ परदेसी गाओ। मेरी आखिरी आरज़ू सुनो, कभी मरने की कोशिश मत करना, निमी अपनी आँखों और चेहरे के एक्सप्रेशंस के लिए भी काफी फेमस हुई। उनकी यूनिक स्टाइल आज भले ही थोड़ी थिएट्रिकल लगे, पर उस जमाने में उनकी यही अदाएं उनकी पहचान बन गई थी। अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने ऐसे रोल्स किए जिनमें वो किसी ना किसी के लिए सैक्रिफाइस करती रही और ऑडियंस की सिंपैथी भी बटोरती रही। तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है बिचो। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ और वो ये कि मैंने तुम दोनों के रास्ते से हट जाने का फैसला कर लिया। आशा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जान ले लेगा। मोहब्बत ने जब से जन्म लिया है तब से आज तक वो कुर्बानियां देती हुई आई है। हमारी मोहब्बत भी आज कुर्बानी मांग रही है और मैंने कुर्बानी देने का वचन दे दिया है अशोक। इसके अलावा निम्मी ने नरगिस, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी बड़ी हीरोइंस के साथ भी कई फिल्में की, जिनके ज्यादातर चार्टबस्टर गाने निम्मी पर ही पिक्चराइज थे। या यूं कहें कि गानों के मामले में निम्मी हमेशा लकी रही। बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम।
80s का डेकेड खत्म होने के साथ साथ निम्मी का करियर भी ढलान पर आ गया, जिसके लिए उनके कुछ अपने ही फैसले जिम्मेदार रहे। जैसे कि बीआर चोपड़ा की फिल्म साधना को उन्होंने इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें एक तवायफ का किरदार था। मेरे महबूब में उन्हें ऑफर हुआ हीरोइन का रोल, पर वो सिस्टर के रोल के लिए अड़ी रही और इसी वजह से राज खोसला की फिल्म वो कौन थी भी उनके हाथ से जाती रही। डायरेक्टर के आसिफ ने निम्मी और गुरुदत्त को लेकर मुगले आजम से भी ग्रैंड फिल्म लव एंड गॉड बनाने का फैसला किया तो निम्मी को लगा था कि ये फिल्म उनके करियर के लिए माइलस्टोन साबित होगी, लेकिन गुरुदत्त की अचानक मौत से फिल्म अधूरी रह गई। बाद में संजीव कुमार को लेकर फिल्म दोबारा शुरू हुई, पर बदकिस्मती से के आसिफ भी चल बसे और लव एंड गॉड डिब्बे में चली गई। इस हादसे से निम्मी का दिल कुछ यूं टूटा कि उन्होंने सिल्वर स्क्रीन से दूर चले जाने का फैसला कर लिया। फाइनली 1986 में लव एंड गॉड एक इनकम्प्लीट फॉर्म में रिलीज हुई। तब तक संजीव कुमार भी चल बसे थे और निम्मी जी खुद 53 साल की हो चुकी थी। दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ। एनीवेज, आइए हम देखते हैं निम्मी के सुनहरे दौर की फिल्मों से कुछ सीन्स। ये तुमने क्या किया सरदार? तुमने जागो क्यों आवाज दी? तुमने उसे क्यों रोका सरदार? तुमने उसे क्यों रोका? जहरा नहीं है, मैं अभी जाके महाराज से कह दूंगी जहरा नहीं है। जहरा नहीं है महाराज, उसने जानबूझकर अपनी तलवार तोड़वा दी है आपके चरणों के सघन। महाराज मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, उसने सरदार मां के हुक्म से मैदान छोड़ दिया है। महाराज महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज उसका इंसाफ कीजिए। महाराज देखिए आपने इन बाजुओं की ताकत। महाराज ये राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी ही तलवार के बल पर इसको कायम रखेंगे। किस्मत के धनी हो कुमार जी, अगर आज सरदार मना होती तो देखती तुम्हारी ताकत। जय को हराने के लिए कोई सात जन्म ले तो अभी पूरे न होंगे। मैं डरने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरी गर्दन काट दो मगर सच सच ही रहेगा। तुम जय को कभी नहीं हरा सकते, तुम उसको कभी नहीं हरा सकते। छोड़ दो, जय तेरा कौन है? अभी अभी तो कोई नहीं है महाराज, मगर हो जाएगा। वो सरदार मां उसके साथ मेरा लगन करने वाली है, मगर महाराज वो कहता है कि मैं स्टूडेंट के साथ ब्याह नहीं करूंगा। फिर भी महाराज महाराज ये घोड़ी मैं उसके लिए जरूर ले जाऊंगी, नहीं तो मारे गुस्से के वो रात को रोटी भी नहीं खाएगा। आज 21 रोज हो गए हैं आसन जमाए हुए। अरे पधारे कुंवर जी, कितने सुंदर हैं आप। शिशु भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। बुद्धू कितनी अच्छी थी तेरी दुनिया, तू आ गए यहाँ। मेरे लिए कोई संदेश लाया है? तू तो कुछ कह रहा है पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जैसे तू समझ गया। अरे हट, हट ना, क्या सारा दूध पी जाएगा? देख माँ, ये आदमी मुझे पिटवाएगा। ले जा। क्या कह दिया है मैंने तुझे? मैं जानती हूँ तेरी माँ है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ दूध के पैसे पड़ते हैं। मैं तेरे पास? तेरी कसम मेरे पास भी नहीं है। जानता है कल मुझे तेरे लिए पाप करना पड़ा, पूरे 2 लोटे पानी के मिला दिए दूध में, किसी से कहना नहीं, फिर भी माँ के 2 रुपए 15 आने पूरे नहीं हुए और मुझे मार खानी पड़ी। तू क्या जाने मेरी मुश्किलों को, तेरी माँ कोई सौतेली थोड़ी है। दोस्त की कीमत दौलत नहीं होती राजन। और क्या हो सकती है? दोस्त को महल में जगह दी है तो मुझे कदमों में रखी। तुम क्या काम जानते हो? हाँ,
हंसना जानता हूँ। और मैं रोना भी जानता हूँ। सुनिए तो, मैं कैसे कहानियां भी सुनाना जानता हूँ और टूटे हुए दिल जोड़ा करता हूँ। दिल और क्या जानता है, और मैं गाना भी जानता हूँ। बेशर्म कमीनी, छोड़ मुझे, पति इस तरह नहीं मिला करते। तुमने मुझे बेशर्म कमीनी कहा, उसे जिसे पवित्र अग्नि के सामने मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री कहा था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, या मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बात है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी गैर को परेशान नहीं किया है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो उस आदमी को बुलाकर पूछ लो, अगर वो फिर भी इनकार करेगा तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगी। लेकिन मुझे हवालात में बंद मत करो, मुझे हवालात में बंद न करो। ले जाओ इसे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर रहम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची मर जाएगी इंस्पेक्टर साहब, वो लोग बड़े बेरहम हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं बीमार हूँ, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। हेलो, आपने ठहरो का, मैं जानती थी आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपका भला करे, भगवान आपके बच्चे सलामत रखे, भगवान आपको इससे भी बड़ा होता दे इंस्पेक्टर साहब, 100 वर्ष की उम्र दे। बकवास बंद करो, हट जाओ एक तरफ। आइए मेयर साहब। तो ये है मेयर साहब, वो आदमी जिसे लोगों ने आसमान पर चढ़ा रखा है, वो आदमी जिसे शहर वालों ने देवता समझ रखा है। लड़की, इसे बोलने दीजिए इंस्पेक्टर। मैं ये पूछती हूँ कि अगर किसी औरत को उसका पति धोखा देकर छोड़ जाए तो क्या ये उस औरत का दोष है? अगर किसी बीवी को अपने शोहर से बच्चा हो जाए तो क्या ये उस बीवी का पाप है? अगर कोई इस तरह की दुखियारी तुम्हारे कारखाने में काम करे तो क्या तुम्हारा मुंह काला हो जाता है? और अगर वो रोटी की तलाश में मारी मारी फिरे तो क्या तुम्हारे नाम को 4 चांद लग जाते? नहीं तो? तो फिर क्यों तुमने मुझे आवारा और बच्चलन समझकर अपने कारखाने से निकाल दिया? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? दुनिया तुम्हें धर्मात्मा, दयालु और सच्चाई का देवता समझकर पूछती है, मगर मैं तुम्हें बेरहम, झूठा और मकार समझकर तुम्हारे मुंह पर थूकती हूँ। ठुकरा दिया मैंने इसको। देखा कैसी ठोकर मारी, जरा इसके दिल से पूछो, मेरी आरजू पूरी हो गई, अब तुम्हें इख्तियार है। फेंक दो इसको शेरों के सामने। शेरों के सामने भी इसका मगरूर सर ऊंचा रहेगा। अच्छा तो इसका सर काट दो। तुम मुझे मार सकता है, मगर हाड़ा इस मौत का बदला लेने के लिए जिंदा रहेगा। हाड़ा, आज मैंने तुम्हें ऐसी मौत मारा है जिसका कोई बदला नहीं। अगर तुम अपनी ये सूरत दिखा सकते हो तो उनको दिखाओ जिन पर तुम इतरा रहे हो। अब वो तुम्हें अपना सरदार कहते हुए भी शर्माएंगे, वो तुम पर थूकेंगे। निकाल दो इसे। इसका गले पर उल्टा बिठाकर संगनेरा की तरफ हंका दो। ले जाओ।
निम्मी को रियल लाइफ में भी एक क्लीन इमेज वाली हीरोइन के रूप में देखा जाता रहा है। मिड 60s में उन्होंने फेमस स्क्रीन राइटर एस अली रजा के साथ शादी कर ली, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। 2007 में रजा साहब का इंतकाल हो गया तो निम्मी जी अकेली पड़ गईं। उसके बाद वो कभी कभार ही किसी फंक्शन या टीवी इंटरव्यूज में दिखाई दी। ढलती उम्र और खराब सेहत के चलते 25 मार्च 2020 को वो खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उससे कुछ ही साल पहले टीम शेमारू ने उनका एक इंटरव्यू किया था और उनके फिल्मी गानों का एक जुकबॉक्स भी लॉन्च किया था। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकियाँ। लड़का नहीं है, लड़की है। तो कहने लगे, भाई लड़का हो के लड़की हो, तुम नाम तो उसका नवाब बानो रख दो। 16mm का जो कलर कैमरा था नहीं यहाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो और महबूब साहब को ये जिद, बनाऊंगा तो कलर ही फिल्म बनाऊंगा। ठीक है। तो 16mm पर ये शूट की। तमिल भी बोलना पड़ती थी, एक शॉट तमिल का। अब तक उसका दो डायलॉग याद है तमिल में, उंगड़ तले येड़े तगेटी येड़े महाराजा। शॉट में बिल्कुल एक्सप्रेशन आना नहीं चाहिए कि तमिल बोल रहे हैं हम। महबूब साहब ने मुझसे कहा, भाई देख तू हमें खुद गरज मत समझना, सेल्फिश मत समझना। नहीं महबूब साहब, मैं नहीं करूँगी। ये क्यों नहीं करेगी, वर्ल्ड मार्केट मिलेगी, फला होगा ये होगा। अरे महबूब साहब, वो किसिंग सीन को कौन करेगा? जब हम वहाँ पहुंचे तो वो लोग हाथ को किस करते हैं ना। मैंने कहा नो, मैं बेवकूफ थी। नो वाई, आई सेड आई एम एन इंडियन गर्ल। दूसरे दिन वो अखबारों में आया, अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। निम्मी जी को हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन, अदब और तहजीब वाली हीरोइन के तौर पर याद किया जाता रहेगा। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। लपटों में पुकारे यूं मेरा गम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम।